ये रिमाइंडर्स का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. एन फैक्टोरियल को डिफाइन किया है और कहा है कि इफ पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें देखते हैं कि 1 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1. पहले दो टर्म्स अगर लेंगे तो 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4. 4 प्लस 1 या हो जाएगा 5, और 5 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 1. अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये है 4 और ये है 1. 18 4 22 एंड 1 23. 23 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल माइनस 1. तो अगर इसी को हम एक्सटेंड कर दें इसी लॉजिक को, तो दिस एंटायर सम, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन प्लस 1, जहां जहां तक है एन, एन प्लस 1 फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल माइनस 1 हो जाएगा. यानी पी की जो वैल्यू होगी वो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 हो जाएगा. पूछा है P प्लस 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, सो व्हाट विल बी P प्लस 2? P प्लस 2 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस 2, विच मीन्स 11 फैक्टोरियल प्लस 1. व्हेन दिस P प्लस 2 यानी 11 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, ये कैंसल हो जाएगा, रिमाइंडर विल बिकम 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो डिविजिबल हो गया, ये 1/11 फैक्टोरियल हो जाएगा नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 1, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4. टू कंटिन्यू वॉचिंग ऑल द वीडियोज ऑफ कैट फ्रॉम 1990 टू 2020, डाउनलोड स्पार्क वीडियो बैंक ऐप.